हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए मिलवाते हैं इंडिया का बेस्ट एजुकेटर से आप सभी लोगों को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्योंकि आपके पेपर में दो नंबर का आता है फंडामेंटल राइट, यानी पॉलिटी का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ थ्योरी भी कवर करेंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, किसकी? आरओ की, एआरओ की, तो ये है टारगेट अगर आपका, और साथ साथ में यूपीएसआई की। तो बिल्कुल सही जगह पर जुड़े प्यारे बच्चों, चाहे लेखपाल हो, चाहे वो बच्चे यहाँ पे कांस्टेबल, या हो प्यारे बच्चे यहाँ पे पीसीएस मेंस का, बहुत ही सही जगह पे आप आए। मैं धर्मेंद्र आपको बता दूं, पॉलिटी मैंने एमए एलयू से किया था, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, और इंग्लिश भी मैंने एमए गोल्ड मेडलिस्ट के साथ बच्चे यहाँ पे एलयू से किया था, और 2016 में मैंने बीएड किया था। 10 साल का पढ़ाने का अनुभव जो रहा है पुणे, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, और वो भी लक्ष्मी नगर के साथ साथ मुखर्जी नगर दिल्ली में, आप सभी लोगों के साथ अपना शेयर करना चाहो अनुभव। प्यार बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग आज की क्लास को एंजॉय करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं बच्चों नोट्स लेना चैनल पे, तो फॉलो कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट का नाम सुना होगा। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्यार बच्चों, कैसे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया था। मगर बात यहीं पे कर ले बच्चों, टॉपिक जो हमारा चर्चा होने वाला बच्चों, ये फंडामेंटल राइट बच्चों यहीं पे खत्म कर लेते। चलिए, अ से अमेरिका और अ से अधिकार, तो इसको बोलते हैं बच्चों मौलिक अधिकार। ये अमेरिका से लिया गया, किस भाग में लिया गया बच्चा, तो भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 12-35 तक का है। अगर बात किया जाए बच्चों ये जस्टिसेबल होता है कि नॉन जस्टिसेबल, तो ये न्याय योग्य होता बच्चों, ये जस्टिसेबल होता है बच्चों। ये निगेटिव थॉट्स रखता है कि पॉजिटिव, तो बच्चों ये निगेटिव थॉट्स रखता है। अब आपको सारी बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी है, भाग 3 में आर्टिकल 12-35 के बीच में बच्चों ये जस्टिसेबल होता बच्चों, और ये निगेटिव थॉट्स रखता है सर, और ये प्यार बच्चों अमेरिका से लिया गया है। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड। जी हाँ, मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, ये सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। मौलिक अधिकार बच्चों जो टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें अपना कर्तव्य भले ना पता, बट एटलीस्ट हमें अपना अधिकार तो पता होना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आइए सर शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल के साथ। अगर आप लोग आंसर बताते हो ना सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो लोग भी बोल रहे हैं ना भैया, जब जागो तभी सवेरा, गुड मॉर्निंग बोलो, डरो मत, है ना। सबसे पहला सवाल बच्चे यहाँ पे मेरा पहला सवाल है प्यारे बच्चों कि बताइए कि भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में जो बच्चों मौलिक अधिकार है, अब इसमें पूछा गया बच्चों मौलिक अधिकार है, अब कौन सा मौलिक अधिकार है बच्चे यहाँ पे, तो आंसर दिया बच्चों आप लोगों के सामने है। पहला प्यारे बच्चे दिया बच्चे यहाँ पे कि निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता, यानी मेरे प्यारे बच्चे बात करें फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता। व्हाट इज फंडामेंटल राइट, इट मीन्स यहां क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है। फिर दिया बच्चे यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी बच्चे यहां पे समान आचार संहिता या नागरिक संहिता बोल सकते हैं, समान आचार संहिता। ये कई बार पेपर में आता है, जैसे तलाक का नाम सुना ना आप लोगों ने, ये वाली बात। और तीसरा दिया बच्चों यहां पे एंड ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ द टाइटल उपाधियों का अंत, एंड ऑफ द टाइटल। और चौथा दिया प्यारे बच्चे यहां पे सभी लोग यहां पे
पांचवा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, न्यायपालिका से अलग होना, अलग होना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, सेपरेशन है ना फ्रॉम जुडिशरी टू है ना, यहां देखो बच्चे यहां पे एग्जीक्यूटिव। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, कभी भी पेपर में जाएंगे तो ऑप्शन का भी मीनिंग समझना है इसका आंसर। ये नहीं कि हमने आंसर दे दिया कि भैया यहाँ पे सवाल का आंसर हमारा सी होगा और आप खुश हो गए, नहीं, उपाधियों का अंत दिया है बच्चों, यहाँ पे सी सही होगा, आर्टिकल 18 में दिया बच्चों उपाधियों का अंत होगा, लेकिन आपको इन सब के बारे में भी चर्चा होना चाहिए, फंडामेंटल राइट इनमें से पूछा क्या है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आपको ये नहीं कि आंसर आपने सी कर दिया और आप चले गए, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए और जो चार ऑप्शन है उनके बारे में भी गहनता से नॉलेज होना चाहिए सर। सबसे पहले बात करें सर प्री लीगल एक्ट के बारे में बात करें सर, तो ये आर्टिकल आता है 39 के, सुनिएगा ये 39 के ए में आता है सर। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें सर, तो ये आर्टिकल 44 में आता है सर। ये दोनों बात आपको याद रखना सर। और अगर हम लोग बात करें बच्चों कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, बच्चों यहाँ पे ये आर्टिकल आपका 15 दिया है। अब सुनिएगा खास बात है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि फ्री लीगल एक्ट जो है बच्चों यहाँ पे ये कहां से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों ये भी हमारा लिया गया है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उपाधियों का अंत बच्चों ये हमारा फंडामेंटल राइट से लिया गया है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका से अलग होना ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया। अब ये बेसिक पता चल गया। अब सुनिए, अब हम बात करते हैं सर डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, डीपीएसपी किस भाग में आता है, ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो 4 बताना, और आर्टिकल पूछेगा तो 36-51 बताना। अब इतनी जानकारी आपको हो गई साथ साथ में, और किस कंट्री से लिया गया है ना, तो सर आपको बताना है सर यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया प्यार बच्चों, बोलिएगा आयरलैंड से लिया गया। और फंडामेंटल राइट हमने आपको दो बार बता दिया, अ से अधिकार और अ से अमेरिका, अ से अधिकार अ से अमेरिका, और किस भाग में है, भाग 3 में, आर्टिकल 12-35। ये बेसिक चीजें पता चल गई। अब उपाधियों का अंत हमारा आर्टिकल 18 में है, लेकिन दो जगह उपाधि नहीं दी जाएगी, एक बच्चों सेना में, अर्थात वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, जब हम फोर्स की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे फोर्स की, तो वहां पे कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो बच्चा होता है ना एजुकेशन में, एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों शिक्षा में भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अब फोर्स की बात करें जैसे, सॉरी यहाँ पे दो उपाधि दी जाएगी भैया, दी जाएगी तो कौन कौन से दो उपाधियां हैं, आइए समझते हैं डिटेल में। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे दो उपाधियां कौन कौन से, सेना में कौन सी दी जाएगी, एजुकेशन में कौन सा दिया जाएगा बच्चों, तो आपने सुना होगा परमवीर चक्र, नाम सुना है परमवीर चक्र नाम सुना है परमवीर चक्र, ये चक्र है। और बच्चों एक होता है पीएचडी की डिग्री, अगर आपने पीएचडी की डिग्री की बात की ना सर, तो समझ लीजिएगा ये भी हमारा उपाधियों का अंत है, इसके अंत नहीं किया गया। बस इतनी बातें पता चल गई, लेकिन आइए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दें प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो गलती हुई है वो क्या यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे सर थोड़ा सा डिटेल में कि फंडामेंटल राइट से सर आपसे गलती ना हो। पहली बात तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे फंडामेंटल राइट की, हम लोग चर्चा करने वाले, तो हेडिंग डालिएगा बच्चे यहाँ पे सभी लोग फंडामेंटल राइट, फिर से दोबारा से हेडिंग डालिएगा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट बनाते चलिएगा सर, फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, है ना, तो इसका एक ट्रिक बना दे बच्चों यहाँ पे, ताकि आपके ये आर्टिकल्स याद हो जाए। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं बच्चों यहाँ पे कि जो इसके पार्ट्स हैं बच्चों यहाँ पे वो पार्ट 3 में है, एंड इसके जो आर्टिकल्स हैं बच्चों यहाँ पे, जो आर्टिकल है बच्चा वो आर्टिकल 12-35 है। लेकिन ये हाउ टू लर्न इट, सवाल आज का ये प्यार बच्चों की सर इसको याद कैसे किया जाए, पढ़ाते तो सभी है और पढ़ते सभी में, बट याद नहीं होता, ये एक समस्या है। अरे बोलो हाँ या ना, तो आज के बाद बच्चों मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अस अमेरिका अस अधिकार, ये तो बेसिक आपको पता ही चल गया बच्चों, अस अमेरिका अस अधिकार होता है, लेकिन हम खास बात बात करें, बोलिए भारत माता की सर, हम खास बात करें बच्चों, तो यहाँ पे टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं अगर आपसे कोई पूछे तो 6 है। देखिएगा पहला है एक, यहाँ पे लिखते देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, नंबरिंग करते चलिएगा, एक फिर लिखिएगा सर यहाँ पे, दो फिर लिखिएगा सर यहाँ पे, तीन
फिर लिखिएगा सर यहाँ पे चार, फिर लिखिएगा सर यहाँ पे पांच, फिर लिखिएगा सर यहाँ पे छह, और फिर लिखिएगा सात। सात लिखोगे क्या? नहीं भैया, सातवां हटा दिया गया। अब ये देखो बच्चों, आर्टिकल 31 को, आर्टिकल 31 को 44वें अमेंडमेंट द्वारा 1978 में हटा के आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, जो कि अब ये बन गया बच्चों कानून का अधिकार, यानी अब ये बन गया बच्चों यहाँ पे विधि का अधिकार। याद रखना है सर, ये बन गया विधि का अधिकार। अब ये बात पता चल गया, इसको याद करने का ट्रिक है सर, किसी भी आर्टिकल को हटाना समाप्त करने की बात करें ना तो 44वां करता है, और जोड़ने की बात करें सर तो 42 करता है बच्चों। तो चार और चार जोड़ोगे सर तो आठ होगा, और पीछे इसका हमेशा आठ दिया रहता है सर। ये ट्रिक है सर, याद रखिएगा। ये तो हमारा बेसिक हो गया बच्चों, यहाँ पे किसको समाप्त कर दिया गया, साथियों के संपत्ति के अधिकार को हटा के भैया। क्यों जानते हो? क्योंकि किसान कहता था कि भैया ये मेरा जमीन है, हम इसमें हाईवे नहीं निकलने देंगे। आपको बता दें, जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो किसानों ने कहा कि भैया हमारे जमीन से, हमारे तरफ से कोई जमीन नहीं जाएगा, हम नहीं बनने देंगे हाईवे। तो मोदी जी को लगा कि अरे यार, इससे तो हमारा पंचवर्षीय योजना पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा मित्रों आज से हम अमेंडमेंट करेंगे 44 अमेंडमेंट 1978, और दोस्तों इसको बना देंगे लीगल। मतलब जब जरूरत पड़ेगी हमें जमीन की ना, ये हम जमीन वापस से ले। ये बात बच्चों यहाँ पे बोली गई थी, बोले समझ में आ गए दोस्तों? अरे बोलो हाँ ना। अब हमने बेसिक हमें पता चल गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? हम इसको रफ करेंगे तभी जगह मिलेगा, तभी हम पूरा पढ़ाना भी तो है। चलिए अब ये नोट कर लिए बच्चे, यहाँ पे अब बच्चे छह, सात थे, अब बच्चे कितने बच्चों? छह सात थे हमारे, लेकिन आप खुद बताओ बच्चों यहाँ पे बचे कितने? छह ना, एक तो खत्म ही कर दिया, ये खत्म ही कर दिया। अब इसको लिख लो बच्चों, ट्रिक बना के, कि इसको कैपिटल सा लिख लेना बेटा, यहाँ पे इसको छोटा सा लिख लेना बेटा, और एक सा यहाँ पे भी लिख लेना, और एक सा यहाँ पे भी लिख लेना, दोनों पे बिंदी लगा देना, और समय अगर आपके पास हो ना तो बीच में भैया शोध कर देना। अब देखो फायदा क्या बच्चों यहाँ पे, स का मतलब होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। बच्चों जब हम कभी भी समानता का अधिकार की बात करते हैं, समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार की बात करते हैं बच्चों, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, बात समझना, राइट टू इक्वलिटी, तो हमारा पहले वाले में आ गया बच्चों। स से हो जाएगा बच्चों राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो हो गया प्यार बच्चों यहाँ पे, तो आपको ये बात पता चल गई बेटा यहाँ पे, बोलिए हाँ या ना। शोषण का विरुद्ध अधिकार बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। इस ध का मतलब जानते हैं सर क्या होता है? धर्मेश सर, नहीं प्यार बच्चे, धार्मिक विचारों का, नोट कर लीजिएगा सर, धार्मिक विचारों का अधिकार। बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे यहाँ पे, धार्मिक विचारों का अधिकार। इस स का मतलब क्या होता है सरस्वती जी, शंकर जी? नहीं भैया, ये होता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा एंड, है ना, शिक्षा और बच्चों यहाँ पे संस्कृति का अधिकार, कल्चर का अधिकार है बच्चों। और स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार, क्या होता है बच्चों यहाँ पे? बोलेगा संवैधानिक, लिख लेना संवैधानिक उपचार। आप संवैधानिक उपचार लिख लो तो आपको दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगी बच्चों, और गलती आपसे नहीं होगी। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? बोलिए हाँ ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा छह प्रकार के, पहला हो गया बेटा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बच्चों, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और क्या हो गया बेटा? बोलिए छठा। सबसे पहले बात करें बच्चों यहाँ पे समानता का अधिकार, तो बच्चों आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी की बात करें बच्चों यहाँ पे, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो ये बच्चों शुरू होगा आर्टिकल 14 से, समझ लेना बेटा, और ये आर्टिकल 18 में जाके खत्म होगा। इसका ट्रिक बना दे क्या? यहाँ पे लिख लेना बच्चों, एरो बना के बच्चों यहाँ पे पांच लिख लेना, ट्रिक है ये। देखो 14 में पांच जोड़ोगे ना तो 18 होगा। देखो 14 खुद और 14 खुद, 14 को भी जोड़ लो, 14 में अगर तुमने पांच जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया? पांच, 14 को भी काउंट करना तो तुम्हें 18 हो जाएगा। इसके बाद 18 के बाद आता 19, तो 19 से लेके बच्चों 22 तक का है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, यानी बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया बच्चों 9 to 20। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बच्चों, तो ये आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक बच्चों यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की बच्चों। तो इसमें हम जोड़ेंगे चार, इसमें हम जोड़ेंगे दो, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल गया, पांच पहले जोड़ना है बच्चा, फिर आपको चार जोड़ना है, फिर आपको दो जोड़ना है,
धार्मिक विचारों का अधिकार बच्चों अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बच्चों यहाँ पर अगर बात करें बच्चों यहाँ पे ये देखो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे बेटा चार, कितना जोड़ेंगे बेटा बोलिए चार, तो धार्मिक विचारों का अधिकार हो जाएगा सर। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार बच्चों, राइट टू एजुकेशन की बात करें सर तो ये 29 से शुरू होगा सर और 29-30 को जो बोलते हैं बच्चों राइट टू एजुकेशन। और बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 31 को हटाई दिया गया था बच्चों यहाँ पे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर हम लोग बात करें सर यहाँ पे आर्टिकल 32 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा सर 32 से और 35 तक चलेगा, याद रखना 32 से चलेगा 35 तक हमें लिखना पड़ेगा, रुकिए वेट प्लीज वेट 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 32 से शुरू होगा साहब और कहां तक चलेगा 30, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे कहां से शुरू होगा, ये 32 से शुरू होगा और ये कहां तक चलेगा बच्चों यहाँ पे 35, हमें लग रहा ना इसको रफ करना पड़ेगा, दिक्कतें थोड़ी हो रही होंगी आप लोगों को, मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, ये तो आपने नोट ही कर लिया था, वेट प्लीज इसको अच्छे से समझा दें, इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा सभी लोग। तो शिक्षा एवं संस्कृति हमारा हो गया बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया बच्चे यहाँ पे संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार तो बच्चे ये कहां से कहां तक चलेगा बेटा बोलिएगा, ये बच्चों आर्टिकल 32 से शुरू होता बच्चा और आर्टिकल 35 तक चलता है, संवैधानिक उपचार की बात हमारा बच्चों आर्टिकल 32 से शुरू होता बच्चों और आर्टिकल 35 तक चलता है ठीक। तो यहां पे देखो बच्चों हम लोग जोड़ेंगे दो है ना, और यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा चार जोड़ेंगे। तो अब ये आपका ट्रिक बन गया सर, ट्रस्ट में कभी गलत हो ही नहीं सकता, और एक एक करके आप लोगों को फंडामेंटल राइट के हर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे सर। तो पांच देखो 14 में पांच जोड़ोगे तो 18, एक बार पांच लिख लो फिर 4-2-4-2-4 बस। अब ये तुम्हें, अब मेरे प्यारे बच्चा ये छह प्रकार के फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, तो आप सीधे बता देना सर, प्रकार अगर पूछेगा टाइप्स पूछेगा तो 6 बताइएगा, कितने टाइप्स बताओगे सर 6, पहले कितने थे 7, अब कितने हैं 6, किसको हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार को। आइए रिपीट करते बच्चों, पहला वाला क्या बच्चे यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी, दूसरा वाला क्या बच्चों राइट टू फ्रीडम, तीसरा क्या बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा क्या बच्चों राइट टू रिलीजन, पांचवा क्या बेटा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, और छठा क्या बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचार। आई होप की बातें समझ में आ गई सर। तो अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई ना तो ट्रस्ट में अब आपसे कभी पेपर में सर गलत हो ही नहीं सकता। कैसे गलत होगा आइए हम आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एंड ट्रस्ट मी अगर आपने एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया बच्चों तो कभी आपके पेपर में सर गलत हो ही नहीं सकता है सर, कभी नहीं होगा, विश्वास रखो सर कभी नहीं होगा। तो सवाल आपके सामने है, आंसर आपको देना है एकदम धमाकेदार तरीके से, तो कभी भी गलती ना हो बच्चे यहाँ पे। तो पहला सवाल हम आपके बीच में ला रहे प्यार बच्चों और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे। सवाल दिया बच्चों बताइएगा, अब एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे, एक एक चीजों का हम लोग समझेंगे यहाँ पे बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा यहाँ पे कि बताइएगा भारतीय संविधान में, सुनिएगा बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों भारतीय संविधान में कि किस भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 के बारे में क्या समझते हैं बच्चे, मौलिक अधिकार अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। तो बच्चों मौलिक अधिकार में अगर आपसे कोई पूछे मौलिक अधिकार में आपको निम्न आर्टिकल को बताइए, निम्न आर्टिकल को समझाइए, अब निम्न आर्टिकल को समझाइए यानी फाइंड आउट फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर बताइएगा आर्टिकल 12 में क्या है, देखिएगा आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या, बस सर आपको एक एक आर्टिकल में बताता हूं। तो देखो सर आप यहीं से आप लोग दूर कर लोगे अपनी समस्याओं को अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो। हम चाहेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज ज्वाइन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करिए।
और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना फंडामेंटल राइट से, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और आपको कुछ अलग से आपको बुद्धि नहीं लगाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 12 के बारे में। तो बच्चे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, यानी मेरे प्यारे बच्चों राज्य की परिभाषा बताया गया है, राज्य की परिभाषा कि भाई राज्य किसे कहते हैं। राज्य में एक सरकार होती है, एक मुख्यमंत्री होता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और 13 में बच्चों जो भी रिडक्शन है, जो भी जैसे फंडामेंटल राइट में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की बात की बच्चों, जो भी बच्चों न्याय संगतियां हैं, बच्चों न्याय जो भी न्याय संगतियां हैं उनको, न्याय संगतियां नोट कर लेना बच्चों, न्याय संगतियां हैं बच्चों उनको अल्प की अल्पीकरण का मतलब बच्चों उनको दूर करना या कम अल्पीकरण, यानी बच्चों समझ लेना कम करने की बात की गई है, करने की बात की गई है सर। 14 में राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए कानून बराबर होगा, राइट टू इक्वलिटी सबके लिए, राइट टू इक्वलिटी कि भैया सबके लिए कानून बराबर होगा। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है सर कि सबके लिए कानून क्या होगा बच्चे यहां पर बोलिएगा, सबके लिए कानून समान होगा, सबके लिए बच्चों कानून क्या होगा बच्चे यहां पर बोलिएगा, एक समान होगा। सबके लिए कानून क्या होगा बेटा बोलिए, समान होगा, सबके लिए बच्चों कानून बराबर होगा। आपके लिए जो कानून है मेरे लिए भी वही होगा, तो एक कानून अगर बनेगा ना तो सबके लिए बराबर बनेगा सर। 15 में क्या बोला गया बच्चे यहां पर कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप देखो बच्चों धर्म की बात करें बच्चों, रिलीजन की बात करें बच्चों यहाँ पे, या जन्म की बात करें बच्चों यहाँ पे, बर्थ की बात करें बच्चों, या बर्थ प्लेस की बात करें सर, जन्म स्थान की बात करें या मेरे प्यारे बच्चों धर्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान, या पे बच्चों मूल वंश हो गया, मूल वंश। अब एक बात बताओ बच्चों, इसके आधार पर, के आधार पर लिखिएगा बच्चों आप, के आधार पर नोट करते रहिएगा सर, मेंस में भी काम आएगा। के आधार पर किसी से, नोट करना बच्चों, किसी से भेदभाव नहीं करना है, नोट करना सर, किसी से प्यारे बच्चों भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, ये बात आपको समझाया गया है। अगला सवाल, बात समझ में आ गई कि बच्चों 12 वाला समझ में आ गया, राइट टू राज्य की परिभाषा, अल्पीकरण, सबके लिए कानून बराबर होगा, जाति धर्म के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं मेरा बच्चों रेफरल कोड है डीवाई लाइव, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे एडमिशन लेते हैं तो ये कोड यूज करिएगा डीवाई लाइव, फ्री क्लास देखने के लिए भी इस कोड को यूज करके अनलॉक करिए, ठीक है। तो बच्चों हम आपको बता दें दो तीन बातें, खास बात है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप जैसे डाउनलोड करोगे आपसे कोड मांगेगा, तो कोड तो आपको कोड मांगता है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है डीवाई लाइव रेफरल कोड है प्यारे बच्चों, इसी कोड को डालोगे तो अनलॉक होगा। जैसे आप स्टार्ट करेंगे मोबाइल नंबर आपका मांगेगा डाल दीजिए, कैटेगरी मांगेगा डालिए यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और आपसे अगर गोल मांगेगा तो यहां पे मेरा नाम मांगेगा, तो नाम सर्च मारिएगा धर्मेंद्र यादव सर, सिर्फ धर्मेंद्र सर भी डाल दोगे ना तो आ जाएगा सर, ठीक है। और प्यारे बच्चे स्पेशल क्लास के बारे में बात करें तो आपको ये फायदा होगा सर कि आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आप सारे डाउट पूछ सकते हो, आप पोल के माध्यम से आंसर दोगे जिसमें आपके रैंक पता चलेंगे, आप हाथ उठा के प्रश्न पूछ सकते हो अगर आपने एडमिशन लिया है, आप क्लास कभी मिस ना करो इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लेक्चर के नोट्स चाहते हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं से भी लैपटॉप से, मोबाइल से, टीवी से, छत में बैठ के, मौसी के ऐसे जाके कहीं से भी देखिए बच्चों, कोई बाउंडेशन नहीं है, मजा आएगा बहुत, सच बता रहे हैं आप लोगों को। और फायदा यार, फायदा तो पूछो मत, जिस तरह से दीपावली में फायदा ही फायदा है, खाओ भी पटाखा भी पटकाओ भैया। तो अनअकैडमी के एडवांटेज की बात करें बच्चों, एनी टाइम एनी वेयर आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो सर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर, भारत के सबसे अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का मौका है सर, एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे सर, और आपको व्हाट्सएप मिलेगा, मास्टर क्लास मिलेंगे, अनलिमिटेड क्यूजीएस है सर, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा, और बच्चों मल्टीपल लाइव डाउट सेशन भी आपको कराए जाएंगे। तो क्यों करना है देर मेरे प्यारे बच्चों, क्यों करना है देर बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे 12+2 यानी 3-12 महीने पे 2 महीने के फ्री डिस्काउंट है, साल भर वाले पे 3 महीने का डिस्काउंट है सर, तो अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिएगा सर। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों फर्स्ट रैंक की, अगर फर्स्ट रैंक लाते हो ना तो 100% स्कॉलरशिप है, 2 से 3 के बीच में लाते हो बच्चों 50% की छूट है, और 4 से 25 के बीच में लाते हो तो बच्चों 25% की छूट आपको देखने को मिलेगी।
तो प्यारे बच्चों ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे। तो हमने आपको बता दिया प्यारे बच्चों यहाँ पे किसके बारे में बता दिया बेटा, यहाँ पे किसके बारे में बता दिए बच्चों 15 तक। अब 16 वाले अब बच्चों आप समझिएगा यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालते चल रहे हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट की ही चर्चा हो रही है, फंडामेंटल राइट की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। तो बच्चों 16 वाले में ये बताया गया बच्चों यहाँ पे सुन लीजिएगा, सुन तो लीजिए, अरे भैया सुन तो लो मेरे बाबू। 16 वाले में ये बताया गया है कि भैया कि इसमें कि सरकारी नौकरी में है लोक नियोजन, इसको बोलते हैं बच्चों लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि इंप्लॉयमेंट की बात की जाती है, इंप्लॉयमेंट अगर आपको मिल गया लोक नियोजन, तो सरकारी नौकरी में अगर आप जॉब कर रहे हो बच्चों तो किसी से भेदभाव नहीं करोगे बच्चे यहाँ पे, ये होता है लोक नियोजन। कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो बच्चे तो वहां पे भी भेदभाव नहीं करोगे, एक अपवाद है बच्चों ओबीसी, जैसे आप सरकारी नौकरी में किसी को छूट नहीं मिलेगी सबको बराबर मिलेगा, तो ये अपवाद है सर, इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। 17 में बच्चों अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी का मतलब होता सर अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अगर आपसे कोई पूछे कि सर अस्पृश्यता का अंत किसमें है सर, तो ये हमारा 17 में है। और अगर आपसे कोई पूछिए 18 में क्या है सर, तो ये बच्चों इंड ऑफ द टाइटल, यानी मेरे प्यारे बच्चों नोट करके लिख लेना बेटा यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा उपाधियों का अंत। एक बार मिलके बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, उपाधियों का अंत बोला जाता है। लेकिन अपवाद है बच्चों यहाँ पे कि दो जगह आपको टाइटल लगा सकते हो, एक तो आप सेना में टाइटल लगा सकते हो सर, एक तो सेना में लगा सकते हो सर, और एक एजुकेशन में शिक्षा में, एक फोर्स में एक एजुकेशन में। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपना टाइटल लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से छोटे छोटे राइटिंग में बढ़िया से प्यार से लिख लीजिएगा भैया, पहला हो जाएगा बच्चे, जैसे यहाँ पे हो गया परमवीर चक्र, परम वीर नोट कर लीजिएगा, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, परमवीर चक्र जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। और पीएचडी की डिग्री जो आप लोग लेते हो, एमए की डिग्री लेते हो बच्चों, वो हमारा एजुकेशन हो गया बस। अब बच्चों 19 में जो है ना प्यार बच्चों, इसमें राइट टू एक्सप्रेस, यानी बच्चों यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई, राइट टू एक्सप्रेस, यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तो ये बोलने की स्वतंत्रता अगर आप देखोगे सर, तो बोलने की अगर आपसे कोई पूछे कि सर बोलने की स्वतंत्रता कैसे दिया जाता है सर, कितने प्रकार के होते हैं सर, ये तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अगर हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, इफ वी वांट टू डिस्कस है ना टू सेपरेट सेपरेट। तो बच्चों देखोगे आप देखो बच्चों, आप 19 का हेडिंग डाल देना बच्चा, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी है ना, और 19 का टी, और 19 का ई, 19 का एफ और 19 का जी। अब आपको याद रखना, जैसे 19 के ए में अगर आपसे कोई पूछेगा सर 19 के ए में क्या है, 19 के बी में क्या है, 19 के सी में क्या है और 19 के डी में क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सर। तो 19 के ए में बच्चों राइट टू एक्सप्रेस, यानी बोलने की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में है, और बिना हथियार के, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यहाँ पे लिख देना बच्चों बिना वेपन्स के, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी में यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, टी में अराइवल यानी आवागमन, आवागमन कहीं पे भी बच्चों आने जाने की स्वतंत्रता, ई से होता बच्चों इस्टैब्लिश यानी बच्चों यहाँ पे निवास होने की स्वतंत्रता, एफ से होता बच्चों फालतू का ये हटा दिया गया, जी से होता बच्चों ट्रेड यानी रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। आप याद रखना बच्चे यहाँ पे हम जी जान लगा के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, ताकि हमें एक रोजगार मिल जाए। डी से आपका दिल है बच्चों, डी से दिल्ली आएगा जाएगा, दिल्ली आना जाना, सी से संघ, सी से संघ, बी से बिना हथियार की इकट्ठा होना, बी से बिना हथियार की इकट्ठा होने की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता सर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। आई होप की बात आप लोगों को बच्चों फंडामेंटल राइट में 16 में लोक नियोजन हो गया सर, 17 में अनटचबिलिटी हो गया सर, कोई किसी से छुआछूत नहीं करेगा, और 18 बच्चों उपाधियों का अंत, बच्चों दो जगह उपाधि दी जाएगी, एक एजुकेशन में दिया जाएगा और एक कोर्स में दिया जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, जो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और हाँ अगर आपको क्लास पसंद आ रहा बच्चों तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ज्यादा अच्छा लग रहा बच्चों तो प्लीज मेरा रेफरल कोड है DYLIFE
यार बच्चों अगर कभी भी आप एडमिशन लीजिएगा तो इसी कोड की यूज करिएगा, क्योंकि इस समय दिवाली ऑफर भी चल रहा है। तो प्यार बच्चों मैं चाहूंगा कि आप सभी को जल्दी से जुड़े और अपने करियर को एक सही रास्ता दिखे। आइए बढ़ते हैं सर अगले क्लास। जैसा कि हमें आपको बताया बच्चों यहाँ पे 19 के बाद बच्चों हम लोग फिर से हम लोग हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल राइट। आपको ये पता चल जाएगा कि सर फंडामेंटल राइट से अब आपको समस्या नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 20 के बारे में बात करेंगे सर, 21 के बारे में बात करेंगे, 21 के ए के बारे में बात करेंगे, फिर 22 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों 20 में क्या, बच्चों 20 में तो इसमें बोला गया बच्चों दोष सिद्धि का अधिकार। क्या बोला गया बच्चों यहाँ पे बोलिएगा, इसमें बोला गया बेटा दोष सिद्धि का अधिकार, यानी अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा है तो बच्चों आप प्रूव करके हट सकते हो, बच सकते हो। 21 में बच्चों जीवन है, बच्चों लव मैरिज है, लड़की राजी हो बस जीवन जीने का अधिकार। 21 के ए में बच्चे यहाँ पे फ्री एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य मैंडेटरी किया गया बच्चे यहाँ पे एजुकेशन, और अनिवार्य शिक्षा बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को, और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों 2002 में जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और 22 में बच्चों 2-2 पुलिस आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी, यानी बच्चों गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो गिरफ्तारी की बात किसमें की गई बेटा, बोलिएगा तुम, बात समझ में आ रही है, एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो बच्चों की, यस सर समझ में आ रहा है, 20 समझ में आ गया, 21 समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे, 21 का ए समझ में आ गया मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे, और 22 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, थोड़ी सी जानकारी आप लोग बता दे प्यार बच्चे यहाँ पे, सब लोग समझिएगा आराम से पढ़ना बच्चे यहाँ पे। प्री टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है बच्चों यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, आरओ यारो प्यार बच्चे, एवरी सैटरडे मैं धर्मेंद्र आप लोगों को उसमें इंग्लिश कवर करूंगा। क्वेश्चन ऑफ नंबर्स होंगे बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, जैसे यहाँ पे देखिएगा आरओ यारो के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए संडे को चलेगा बच्चे यहाँ पे, 140 प्रश्न होंगे बच्चों, आज मिलेगा मौका संडे के दिन आपको याद रखना। निगेटिव मार्किंग बच्चों 1/3 है, 140 नंबर के फुल मार्क्स, तो क्यों कर रहे देरी बच्चे यहाँ पे, पर लेखपाल की बच्चे यहाँ पे धमाकेदार, आपको पता है सब लोग चाहते हैं यार भैया लेखपाल बन जाओ बड़ा जमीन मिलेगा। तो लेखपाल के लिए नया बैच हमारे धासु टीचरों के साथ शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर से, जिसमें गर्वित सक्सेना सर, नूर आलम सर, ओपी चौधरी सर, रैना मैम धमाकेदार पढ़ाते हैं, इनका कोई जवाब नहीं, और धनंजय सर तो भैया तैयारी के बादशाह है। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ बच्चों आरओ एआरओ में सबसे अच्छे टीचर जो आपके सामने, गर्वित सर, विपिन सर, अमरनाथ सर, बादशाहों के बादशाह, फिर मैं यानी बाहुबली धर्मेंद्र यादव सर और सीना जैदी मैम, सभी लोग मिलकर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और प्यार बच्चों उन्नति बैच ड्यूअल एजुकेटर का पहली बार किसी लाइव पे आप देख रहेंगे कि विपिन सर और दीपेंद्र सर एक साथ आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, और आपको बताएंगे क्या करना है स्ट्रेटजी मेक मुख्य परीक्षा के लिए। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए बच्चों 3-मिनट टेस्ट भी आपके सामने आया सर, तो ये भी देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर आपको गाइड करेंगे सर। यहाँ पे लेखपाल के लिए भी धमाकेदार क्लास है सर, क्यों करना है मिस्टर यहाँ पे देखिएगा। तो एग्जाम्पल हमने बहुत सारे किए, कैसे लगे बच्चों ये क्लास ये वाला बताइएगा। बैच कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे सर, बैच कोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें सर, तो बैच कोर्स में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बैच कोर्स हमारे सामने आएंगे सर, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर बैच कोर्स में, तो वीर बैच आप लोगों के सामने आ रहा है बच्चों पुलिस का, जिसमें आपको गर्वित सर, रांस सर और पीसी सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे 29 तारीख से चालू। लेखपाल मुख्य परीक्षा जिसमें पूरी टीम अमरनाथ सर के साथ 1 नवंबर से बच्चों चालू होगा, पूरी टीम के साथ आप लोग पढ़िए धमाकेदार। और प्यार बच्चों अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं प्यार बच्चों, जिसमें से आप यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ यारो, यूपीएसआई, पेट का मुख्य परीक्षा के लिए, लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए तैयार है तो आज ही प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं बहुत ही संक्षिप्त भाषा में, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेफरल कोड है सर DY Live, याद रखिएगा सर, यदि आप DY Live कोड यूज करके एडमिशन लेते हैं तो आपको सीधे 10% के डिस्काउंट आपको मिलेगी सर, यानी 2 साल की जो फीस सर आपकी 13,600 है सर जी, आपके डिस्काउंट 12,240 पड़ेगी। साल भर की फीस है बच्चों 9,350, आपके डिस्काउंट फीस पड़ेगा बच्चों 8,415 रुपए। तो बच्चों ये अपॉर्चुनिटी आपको बता दें 510 रुपए पर मंथ भी दे सकते हैं अगर आपके पास EMI की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड है, तो क्यों मिस कर रहे हैं बच्चों, उठाइए ना इसका लाभ। बिहार में यूपी फ्री, यूपी में बिहार फ्री, क्या पीसीएस का क्लास, वीर कंप्लीट अभी बताया, लेखपाल बता दे बच्चों। बस प्यार बच्चों आप लोगों को मेहनत करना है, कोई कमी पाइए तो लिख के भेजिए, टीम की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। 9:30 बजे क्लास लेना ना भूलिएगा, और 11 बजे भी डेली क्लास होता लेना ना भूलिएगा सर। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, थैंक यू, ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे, और सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइए प्यार बच्चे यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच, प्लीज प्लस पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके, बेल आइकन दबाना ही दबाना है, बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि PDF मिल सके।
लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दो बच्चा, ठीक है। एक बार प्रिंस बोलिए दोस्तों भारत माता की जय। साथियों जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, और तब तक के लिए बच्चों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।